आप देख रहे हैं लाइव आज, हर खबर आप तक। जिला बिजनौर नजीबाबाद में ई रिक्शा से चाचा के साथ गई लापता बच्ची को आज पुलिस ने बरामद कर लिया है। बच्ची के घर वालों ने 16 तारीख की देर शाम को अचानक से गायब हुई बच्ची की तहरीर पुलिस को दी थी। बच्ची के गायब होने पर पुलिस में अफरा तफरी मच गई थी। एसपी के दिशा निर्देश पर स्वाट टीम व नजीबाबाद पुलिस ने बच्ची को आज सकुशल बरामद कर लिया है। 16 तारीख को एक 8 साल की मासूम बच्ची अपने चाचा के साथ चली गई थी। बच्ची इल्मा अपनी बड़ी बहन अल्फीशा के साथ घर का सामान लेने के लिए जगन्नाथपुरी चौराहे पर सामान लेने गई थी। अचानक से सामान लेने के दौरान इल्मा किसी अनजान व्यक्ति के साथ एक ही रिक्शा में बैठकर चली गई थी। बच्ची के पिता आबिद ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट के आधार पर बच्ची को उसके चाचा के पास से बरामद कर लिया है। एचपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने इस घटना को लेकर बताया कि 16 तारीख की देर शाम को बच्ची अपने चाचा के साथ ही रिक्शा में बैठकर चली गई थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस व स्वाट टीम ने बच्ची को कुशल बरामद कर लिया है। बच्ची के साथ किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। बाकी घटना की जांच कर पुलिस द्वारा चाचा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज न्यूज चैनल में नजीबाबाद से रिपोर्टर शमीम सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद कस्बे में 16 तारीख के अपराह्न में एक 8 वर्षीय लड़की गायब हुई थी। 363 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। स्थानीय पुलिस बल स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा उसकी तलाश की गई। आज वह लड़की बरामद हुई है। पूछने पर बताया कि सलीम चचा ले गए थे और CCTV फुटेज से भी यह मालूम हुआ कि वह लड़की किसी गार्जियन की तरीके से हाथ उंगली पकड़ करके जा रही है ई रिक्शा से। फिर आगे की बात पता नहीं चली। पूछताछ पर लड़की ने किसी अपराध या किसी अन्य चीज़ की हादसे की बात नहीं बताई है। लड़की स्वस्थ प्रसन्न गार्जियन के साथ में है। उसका मेडिकल परीक्षण एवं अन्य जाँच पड़ताल करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।